कोडेस आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का पहला सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको दो इवेंट के टाइमिंग्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उन दोनों इवेंट के टाइमिंग्स में इंटरसेक्शन है या नहीं, ठीक है। अगर है तो यू हैव टू आउटपुट यस, अगर नहीं है तो यू हैव टू आउटपुट फॉल्स, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे अपन, और सबसे पहले दो तीन टेस्ट केस देख लेते हैं। आई डोंट थिंक कि इसको समझाने का जरा भी जरूरत है, बट दो तीन टेस्ट केसेस देख लेते हैं कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये 1:15 से 2 o'clock तक इवेंट चला, और ये 2 o'clock से 3 o'clock तक इवेंट चला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों इवेंट के बीच में 2 o'clock पे इंटरसेक्शन है, कि ये 1:15 से 2 o'clock तक चला और ये 2 o'clock से 3 o'clock तक चला, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यू हैव टू आउटपुट ट्रू, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें भी 1 o'clock से ये 2 o'clock तक चला और ये 1 o'clock 1:20 से 3 o'clock तक चला, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1:20 से लेकर 2 o'clock तक इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हुआ है। तो बस आपको यही बताना है कि अगर इंटरसेक्शन हुआ है तो ट्रू रिटर्न करना है, और नहीं हुआ है तो फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर सम अप किया जाए तो इवेंट वन अगर T1 पे शुरू हुआ और T2 पे खत्म हुआ, ठीक है, और T1 तो T2 से छोटा ही होगा क्योंकि स्टार्ट पहले होगा बाद ही में एंड होगा, ठीक है, और इवेंट टू जो है वो T3 पे शुरू हुआ और T4 पे खत्म हुआ, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है या नहीं। इंटरसेक्शन होने का क्या एक क्राइटेरिया हो सकता है, कि ये इवेंट जो टू है, इवेंट टू ये इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो, ठीक है, स्टार्ट हो जाए, एंड कहीं पर भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये बस स्टार्ट हो जाए इन दोनों के बीच में, या फिर जो इवेंट ये वन का जो स्टार्टिंग टाइम है वो T3 और T4 के बीच में स्टार्ट हो जाए, बस मुझे इतना जरूरत है। जैसे ये 2 बजे से लेके 4 बजे तक चल रहा है और ये 3 बजे से लेके 5 बजे तक चल रहा है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, राइट, ठीक है। अगर मान लो ये 4 ही होता, ठीक है, तो ये भी इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू को भी अपन को कंसिडर करना है, तो ये भी इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। सेम अगर इवेंट टू कुछ इस टाइप से हो, 3, 5, और इवेंट वन आपका कुछ इस टाइप से हो, 4, 7 या फिर 5, 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इवेंट वन जो है वो इवेंट टू के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से भी अपन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है कि क्या इंटरसेक्शन है या नहीं। तो इंटरसेक्शन होने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कि इसका जो स्टार्ट टाइम है इवेंट टू का वो T1 और T2 के बीच में लाई करे, या फिर जो इवेंट वन का स्टार्ट टाइम है वो T3 और T4 के बीच में लाई करे, बस ये एक छोटा सा क्राइटेरिया, अगर ये फुलफिल हो जाता है तो यू कैन से दैट देयर इज एन इंटरसेक्शन। पर इसको आप करेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आवर में है, मिनट में है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि अगर मान लो इस टाइप का केस आ गया, ये सब आपने भी शायद सोचा होगा, 1:15, 1:17, ठीक है, और एक है 1:19 और 1:20, तो ठीक है, अब इन सब में इंटरसेक्शन कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर इन सब को जैसे कि हमने पहले भी कॉन्टेस्ट को कवर करते हुए डिस्कस किया था, बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप, बहुत आसान हो जाता है अगर आप इन सबको मिनट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो 1:15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 मतलब 1 घंटा, ठीक है, तो 1 घंटा 15 मिनट मतलब 75 मिनट, 1 आवर 17 मिनट मतलब कितना, 77 मिनट, ये 79 मिनट, ये 80 मिनट, ठीक है। अब आराम से चेक करो, 75 क्या 79 और 80 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं, 79 क्या 75 और 77 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं, ठीक है, खत्म कहानी। सेम अब इसको आते हैं किस तरीके से अपन देखेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 60 प्लस 15, तो ये हो गया तुम्हारा 75, और ये हो गया 2 आवर्स है तो 120, ये हो गया 120 और 180। तो हम लोग को क्या चेक करना होगा, कि 75 और 120 के बीच में क्या 120 लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, ठीक है, बीच में इन द सेंस की इन बिटवीन जो साइड साइड वाला है, ये दोनों इंक्लूसिव ब्रैकेट है, ठीक है, इन दोनों इंक्लूडेड है 75 और 120। सेम यहाँ पर चेक करते हैं, ये हो गया 60, ये हो गया 120, ये हो गया 80, ये हो गया 180, ठीक है। अब क्या ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, यहीं पर से बात खत्म।
अब इन दोनों को कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ये हो गया 600, ये हो गया 660, ठीक है, और ये हो गया 6 × 14, तो हो गया 70 + 84, 840, और ये हो गया 60 × 15, तो ये हो गया आपका 900, ठीक है। अब इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये पीछे है और ये इंटरवल आगे है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, तो बस यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करना है। बस एक छोटा सा ट्रिक है कि आपको जो भी टाइम है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा मिनट्स में, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका इवेंट हो रहा है वो सेम डे पे हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोड पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल दिवाली पे वी आर अनाउंसिंग समथिंग वेरी बिग, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, सारे अपडेट्स चैनल पे ही मिल जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और क्या हो सकता है आप गेस कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करो तो कल एक बार ज़रूर जुड़ना सरप्राइज के लिए, ठीक है, दिवाली गिफ्ट के लिए। सो यहाँ पर देखते किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि सारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये जो आवर और मिनट है उन सबको पहले नंबर में कन्वर्ट किया, क्योंकि स्ट्रिंग में दिया हुआ है तो उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि HHMM टाइम फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कन्वर्टर फंक्शन लिख दिया है जहाँ पर मैंने स्ट्रिंग पास किया है और आई पास किया कि किस इंडेक्स से मुझे कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रिंग पास किया कि किस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है। जैसे सबसे पहले इवेंट वन के अंदर दो स्ट्रिंग है, तो पहले स्ट्रिंग वन को पास, फर्स्ट स्ट्रिंग को मैंने पास किया, और उसके आवर को कन्वर्ट करना है तो 0 पास किया। अब मिनट को कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या पास करूंगा, 3, क्योंकि HH देन दिस कोलोन दिस देन दिस एम कम्स, ओके, तो यहाँ पर मैं 3 पास करूंगा। और इसी तरीके से मैं इवेंट वन का भी आवर को कन्वर्ट करूंगा, मिनट को कन्वर्ट करूंगा, देन सेम इवेंट जो सेकेंड इवेंट है उसके लिए भी मैं सेम इसी तरीके से करूंगा, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, फिर मैं सबको कन्वर्ट कर दूंगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग मिनट में, ठीक है। अब मिनट में कन्वर्ट हो चुका है तो मुझे उतना ज़्यादा कंडीशन लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इस तरीके से मैं T3 लाई कर रहा है कि नहीं, T1 और T2 के रेंज में, या फिर T1 लाई कर रहा है कि नहीं T3 और T4 के रेंज में, बस ये चेक कर लेंगे। अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है देन वी हैव टू रिटर्न ट्रू, और वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, और कल का गिफ्ट क्या होने वाला है उसके लिए स्टे ट्यून्ड। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।